हमारे विशाखापट्टनम के जाबाज शेर ने अपने दुश्मनों को पछाड़ कर ये केस जीत लिया है। आज वो जाबाज बाहर आ रहा है और उसके बाहर आने की खुशी में हम लोगों ने ये भव्य समारोह आयोजित किया है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी लड़ता है कटता है मरता है तो मरता रहे, लेकिन भांजे तू अपना मुंह बंद रखना, कुछ भी देखा तो उसे अनदेखा करके निकल जाने का, इसीलिए तेरे लिए स्पेशल चश्मा। काला ही सही लेकिन इससे सब कुछ नजर आ रहा मामा जी। आप कह रहे हैं कि कुछ गलत होता तो मैं अनदेखा कर दूं, लेकिन अगर ऐसा करता हूं तो मैं ना मर दूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। आप देखते रहिए, इमीडिएटली मैं रिटर्न जाने की तैयारी करता हूँ। अरे बाप रे, अरे तुझे सिखाते मैं पागल हो जाऊंगा, चल घर चल। एक मिनट, इस बार जब मैं बाहर निकला तो इतनी सारी स्पेशल तैयारी क्यों हो रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बता दो ना यार। वो क्या है ना कि तुम्हारे ससुराल आने जाने का सिल्वर जुबली हो गया ना, इसीलिए केरला मुंबई से लोगों को बुलाया गया, तुम्हारे लिए सॉन्ग रखा गया है। देखो, अगर इस उम्र को तुमने ऐसे गंवा दिया तो इसकी तरह आवारापन में ही पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, कुछ समझ रहे हो? अरे बेटा आया है तो खुश होने के बजाय माँ के चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? बदमाश कहीं का, माँ को चूम भी नहीं सकता। ठीक है, जाने दो, चल चल बाथरूम में। अरे माँ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रहे। कितने दिन अंदर रहकर आया है, पता नहीं नहाता भी होगा या खाता पीता भी होगा, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल नहीं आई अभी तक। जल्दी करो माँ, आंखों में तेल जा रहा है। सर पर तेल लगाया है, कम से कम आधे घंटे तक तो रहने दे, उसके बाद तू नहा लेना, पागल गई का। माँ माँ जल्दी करो, देर हो रही है। ज्यादा बोल मत, जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, शकुंतला कॉलेज चली गई क्या? ये इस तरह छुप छुप कर क्यों देख रही है? छुप कर नहीं देख रही है, उसकी शादी पक्की हो गई है इसीलिए वो शर्मा रही है। ओहो, ए छोटी वाली, बाहरा 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 बाहरा, जरा बाहरा जल्दी। शादी कर रही है, दुनिया को पता चल गया और मुझसे शर्मा ना भैया। अब बहाना छोड़ो मेरी बहना, जरा घूमो, एक बार मैं तुम्हें जी भर कर देख तो लूं, ये पगली शादी के लायक हो गई है? बेटा ये 18 साल की हो चुकी है। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता नहीं चला। भैया मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शादी के बाद मैं लंदन चली जाऊंगी और आप सब लोग यहाँ। जी हाँ जी हाँ, शादी के पहले सभी लड़कियाँ ऐसा कहती हैं, और शादी हुई इसके बाद फिर कहने लगती हैं कि क्या करूँ भैया, टाइम नहीं मिलता ससुराल से अब आने का, तुम नहीं जानती, सब ऐसा ही कहती है ना, लड़का पसंद है ना। अच्छे है। लड़का करता क्या? मैं PWD में इंजीनियर है। ये तो अच्छी बात है, मैंने तो ये सोचा था माँ कि आपके पतिदेव किसी सरकारी स्कूल के मैथमेटिक्स के टीचर से इसकी शादी करवा देंगे। तो अपने पिता के बारे में कैसी बातें कर रहा है? जाने दो, वो समझदार होते तो बात कुछ और होती। लाओ दो, मैं जब भी कोई मशीनरी बनाता हूँ वो उसे उसी वक्त तोड़ देते हैं। तुमने कभी ऐसा बाप कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा माँ, पता नहीं तुम उनके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो। सुनो पूर्णिमा, ये सब क्या चल रहा है, जरा एक गिलास पानी दे दो। देखो मैं इसको पढ़ा लिखा के मेरी तरह कुर्सी पर बैठाना चाहता था, लेकिन उसे उसकी आवारागर्दी और जेल की हवाएं ज्यादा पसंद है, तो कोई क्या कर सकता है। ये लो पाना ला जरा, अभी देता हूँ भाई, ये लो। शंकर, तुम्हारे कार्बोरेटर ठीक करने के बाद पर लीटर का एवरेज तो ठीक हो गया है, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा यार। एक्सीलेटर दे। पैनल ला। हाँ ये लो। थैंक यू शंकर। इतने लोग आए, क्या सालों तुम
लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे खिलाफ इस नीलामी में हिस्सा लेने आ गए। चल चल निकल ले, चल चल छोड़ के मत देखना, चलो निकला यहाँ से। ऑफिसर, हवेली खरीदने के लिए कोई नहीं है ऐसा मत समझना। इस फाइल में मेरा नाम लिखो और खेल खत्म कर दो। चलो बंद करो इसे। उतरो मामा जी। अच्छा भांजे, अरे नीलामी हो गई क्या या फिर डेट आगे बढ़ा दी? और से देख लो, हवेली मेरे नाम हो गई है। लोगों को डरा कर कब्जा कर लिया है। इससे पहले मेरा नाम लिखो सर। जो बे, एक बार जेल की हवा खा के जी नहीं भरा क्या? दोबारा जाने का इरादा है तेरा? तुम्हारे आने की स्पीड देखकर लग गया था कि तुम यही डायलॉग मारोगे। मेरा एक हाथ पड़ गया ना तो तेरा ये हाथ काम के लायक नहीं रहेगा। रुक जाओ महेश, तुम अपने आदमियों को लेकर फौरन यहाँ से चले जाओ वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये महान हस्ती कौन है जानते हो? हमारे देश के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अलग अलग शहरों में, यहाँ तक कि विदेश में भी विवेकानंद विद्या आश्रम, विवेकानंद विद्यालय स्थापित करने वाले ये महान हस्ती हैं। आज ये अपने जन्मदिन के अवसर पर हमारे आश्रम में पधारे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। ये 50 लाख का चेक है एडवांस, इस आश्रम का पूरा खर्चा मैं ही चलाऊंगा। हमें अभी तक तो बच्चों का सुख नहीं मिला है, भगवान जाने क्यों हमारे साथ इस तरह का अन्याय कर रहा है। मैं चाहता हूँ आश्रम के किसी बच्चे को गोद ले। किसी ऐरे गेरे के खून को गोद लेकर मेरी दौलत पर राज करे ऐसा मैं क्या? मेरी जूती भी नहीं चाहेगी। तुम्हारी ये दौलत का घमंड कब टूटेगा ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। हेलो कमिश्नर, गाड़ी ठीक करनी है। ओहो, तो आपको घर चाहिए? नहीं, कह रहे हो सामान उतार के घर में रखना है? हाँ, रखता हूँ। इसे कहाँ रखना है? आ?
मैडम, ये आपके कौन है मैडम? तुम्हारे पति है? इसका मतलब इन्होंने तुमसे सच में शादी की है? इन दोनों की सच में शादी हो गई यार। कह रहा था मैं जेल में हूँ, जेल में हमको कह के उल्लू बनाता रहा और हम सब उल्लू बन भी गए हैं यार। हम ही को उल्लू बना गए यार। आज हमारे हाथों कुछ होने वाला है। शंकर, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। कौन सा झूठ? इतना शरीफ मत बनो यार, हमें ये सोचकर ही शर्म आ रही है कि तू हम लोगों का दोस्त है। तेरे कहने का मतलब क्या है? अभी बताते हैं। एक गूंगी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी करके अनाथ की तरह भटकने के लिए उसे छोड़ दिया, और आप पूछ रहे हो कि क्या मतलब है, कहाँ का इंसाफ है ये? क्या कहा, मैंने शादी की है? आ बेटा, देख सामने वो फोटो देख। कहाँ है? मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको प्यार के बारे में बताने जा रही हूँ, और मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, और मेरा नाम है नैना। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इन लोगों ने प्यार करके इतिहास रचा है, लेकिन आज आप लोगों के दिल से ये भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। प्यार में किसी का दिल जीत कर सुकून से जिंदगी गुजारना आज बहुत मुश्किल है। आज कल लोग प्यार के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आ गए। कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी नैना। क्या कहा, मेरी नैना? कब से? हाँ, तेरे घर में वो फोटो किसका है? हमारा है जी, ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज तेरी तुम? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? शादी करके मुझे भूल गए क्या? मुझे हाथ पता करना। देखो ना, हमारा प्यार कितना सच्चा साबित हुआ। मैं प्यार की तलाश में यहाँ आई थी और तुम मुझे मिल गए। तुम हो कौन? है मैं जानती हूँ जी। क्या कहा? तुम्हारी याददाश्त को। कौन सी याददाश्त? अमनेशिया। मुझे कुछ नहीं मालूम गुरु। तुम्हारी याददाश्त कही हुई है वाइजाक जेल में। वाइजाक जेल कहाँ है? जानना चाहते हो तो बताती हूँ। जी हाँ, वाइजाक जेल में मैं कैदियों का इंटरव्यू लेने गई थी, और वहीं पर मैं तुमसे मिली। वही मुलाकात प्यार में बदल गई। मैं मन ही मन एक अलग संसार बसाने का सपना देखने लगी। उसके बाद हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। हमारे दिल का ये प्यार का पौधा बहुत जल्दी वृक्ष बन गया, और हमने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली। मैं प्यार में पंछी बन गई थी। हम दोनों प्यार के तराने गा रहे थे। वहाँ का दृश्य देखकर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में मदमस्त हो गए थे, और तभी तुम्हारा पैर फिसला और तुम गिर पड़े। तुम्हारे सर पे चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी याददाश्त वापस लौटने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। तुम तो मुझे पूरी तरह भूल ही गए थे, और फिर एक दिन तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। चले गए तो क्या हुआ, हमारा प्यार जो सच्चा था, इसलिए तुम मुझे यहाँ फिर से मिल गए। दूर रहकर बात कर। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों की शादी हुई है, उसका कोई और सबूत है तो बताओ। हाँ। अच्छा सुनो, तुम कहती हो हम शादी के बंधन में बन चुके हैं, तो फिर मेरा बांधा हुआ वो मंगलसूत्र कहाँ है, बोलो? मंगलसूत्र? देखा ना, चोरी हो गया। तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने उसे हरिद्वार में गंगा नदी में छोड़ दिया। मेरे दोस्तों के सामने तुमने गूंगी होने की एक्टिंग की थी, वो क्योंकि शुक्रवार को मेरा मौन व्रत रहता है। वो किस लिए? तुम्हारी चोट की वजह से तुम्हारा दिल से दिमाग का कनेक्शन कट हो चुका है, उसे जोड़ने के लिए। क्या? मेरे दिमाग का कनेक्शन दिल से? मेरे दिल... देखा ना यही प्रॉब्लम है। तुमने कहा था ना मेरी याददाश्त कब लौटेगी, बताओ जरा। 3 साल। 3 साल के बाद जब मेरी याददाश्त लौट आएगी ना, तब मैं तुमसे बात करूंगा। कंफ्यूज करके रख दिया। क्या कहा अंकल आपके लाडले शेर ने? तुमने ऐसा चक्कर चलाया कि उसका दिमाग ही काम करना बंद हो गया। कल तक तो मैं किसी तरह उनकी यादों के सहारे जीती रही, अब आगे की जिंदगी उनके साथ रहकर जीना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे जरिए सुधर गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मिल गया। उधर देख।
क्या? शंकर, प्रसाद साहब पुलिस स्टेशन आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। किस लिए? क्या क्या किस लिए? तेरी शादी करवानी है इसलिए। देख, इस मामले ने मेरा दिमाग पहले से ही खराब कर रखा है, इसलिए तू ही जाकर शादी कर ले। ए, चलता है कि मजाक करेगा? चल। देख शंकर, मुझे दोबारा हाथ मत लगाना। तेरा बॉस बहुत बड़ा तोप है क्या? हाँ बता, बताना बताना। नहीं शंकर, रुक जाओ, हम लोग जा रहे हैं। अब चुपचाप निकल ले। देख लूंगा तुझे शंकर। निकल ले। मैंने बोला कि साहब बुला रहे हैं, तो बोला कि नहीं जाऊंगा मैं। पकड़ कर लाने की कोशिश की तो बोलने लगा साहब अपनी बहन से मेरी शादी करवा रहे हैं क्या? उसका दिमाग बहुत खराब हो गया है सर, आपकी बहुत बेइज्जती की है सर उसने। उसे उठाकर 4 दिन के लिए अंदर कर दें तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा सर। सर, वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की जो है ना, वो उसकी बहन है सर। ओके यार, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है, कल मिलती हूँ। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना है। ए, कौन है आप? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? चलो बताता हूँ। जब तक मेरा भाई नहीं आएगा खाने नहीं आएगी। चल बैठ गाड़ी में, अब देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। चलो शकुंतला। पिताजी, तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया बेटा? मुझे नहीं पता पिताजी। इंस्पेक्टर, देखिए इंस्पेक्टर, आपको वो गुंडा चाहिए था तो पुलिस स्टेशन में आप इसको उठा के क्यों लेके आए हैं? ये कौन सा तरीका है? क्या ये इंसाफ है? स्कूल में बच्चे गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके माँ बाप को बुलवाते हैं ना। मैंने भी तो यही किया है। देखिए, प्रधानाध्यापक रह चुका हूँ, वो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, मेरी कुछ इज्जत है, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारी इज्जत से मुझे क्या लेना देना? देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो गुंडा तेरा बेटा है और ये लड़की तेरी बेटी है। तुम दोनों यहाँ रहोगे तो वो जरूर आएगा, बाहर जाके बैठ जाओ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, अबे जाना। पिताजी, भैया चुप हो जा। शंकर, तो तुम हो वो गुंडे शंकर, अगर तुम शेर हो तो मैं पुलिस का टाइगर हूँ। शेर किसी की झूठन नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। पिताजी, भैया, पिताजी प्लीज, मुझे रोकिए ना। ऐसे खाना पानी कुछ मत देना, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। इंस्पेक्टर, तुम्हें उसके साथ जो भी करना करो, दोबारा मेरी बच्ची को उठा के मत लेके आना। इसने आपके लड़के के हाथ में कंपास चुभो दिया था, इसलिए मैं इसकी कोई तरफदारी नहीं करूंगा। इसको जो सजा देनी है आप इसे सजा दे सकते हैं, ले जाइए इसे। आइए वकील साहब। एक ये भी बाप है। मामा जी, भैया अंदर है। मैं हूँ ना बेटा, मैं हूँ, तुम जा जाओ। तो आइए सर, आइए। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? बाप रे। नमस्ते साहब। नमस्ते। ए, कौन हो तुम? शंकर का मामा हूँ। हाँ तो दिखाइए इनको। शंकर,
मैंने जितनी तुम्हारी पिटाई की है तुम्हारी बॉडी के कुछ पुर्जे तो ढीले हो ही गए होंगे। अब ठीक से चलने के लिए तुम्हें 3-4 हफ्ते तो लगेंगे ही। ये रख लो, रख लो, चलने में आसानी होगी। चलो आगे आजा भांजे, बाकी का मैं देख लूंगा। आजा। ए जाना। ए ए वकील साहब। हाँ बोलिए। मेरा ये घर, हाँ, मेरी 4 बीघा जमीन, हाँ, और मेरा बैंक बैलेंस और वो सब, हाँ, मेरी बेटी शकुंतला के नाम पे कर दीजिए। ठीक है। क्यों जी, हमारा एक बेटा भी है, ये बात आप भूल गए क्या? वो तुम्हारा बेटा हो सकता है, मेरा नहीं। ऐसी औलाद जिसे मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं हो, ऐसे मवाली को कुछ नहीं मिलेगा। उसे देना है तो तुम अपने गहने दे सकती हो जो तुम दहेज में अपने साथ मायके से लेके आई थी, लेकिन मेरी मेहनत की बनाई हुई प्रॉपर्टी को जिसे मैं चाहूंगा उसी को दूंगा। आपके इस फैसले में रत्ती भर में इंसाफ नहीं है। और वो जो कर रहा है वो तुम्हारी नजर में सही है? घर की इज्जत बाहर नीलाम कर रहा है वो। मैं फिर कहता हूँ, वो मेरा बेटा है ही नहीं। अब अपना काम कीजिए वकील साहब। ऐसा बाप दुनिया में कहीं नहीं देखा। आपका जो दिल करे वो कीजिए, लेकिन भगवान की नजर में इंसाफ नहीं है। अच्छा आज बात क्या है, खाना मंगवाया है, इतने सारे आइटम, इतने सारे टेस्ट। वैसे आज मसाज भी हो गई। मसाज करते गए करते गए करते गए ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की मसाज कर रही हो। ये सब हम लोगों ने कहा क्या है गुरु, सब तो भाभी ने किया है। क्या खाना भी भाभी ने बनाया है? भाभी ने? कौन सी भाभी? टीवी टीवी। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? पेट भर के खाना खाया भाई। और नहीं नहीं, जब तुम सोए थे तब हमने देखा कि वो तुम्हारी मसाज कर रही थी। तब तो यार इतने कुत्ते आए हुए हैं, जाओ देखो ना। ये लोग भी ना, वैसे गलत भी नहीं है। अरे मेरे हाथों इतनी मार खाने के बाद भी तेरी अकड़ नहीं गई क्या? मेरी ताकत अभी तूने देखी कहाँ है। मेरे गिरेबान में हाथ डालने वालों को तुरंत जवाब देता हूं, उस दिन नहीं दे पाया। चाहता तो तुम्हें भी तुरंत जवाब दे देता, लेकिन मेरी बहन और मेरा बाप वहां पर थे। तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की। हाँ की तो क्या तू मुझे मारेगा? ऑस्कर मैं तुझे। Oh.
वर्दी पहन के तूने मुझे दो चार घूंसे मार लिए तो तुझे क्या लगा? हाँ, मेरी बॉडी मैकेनिक की बॉडी है। अपनी बॉडी रिपेयर करवा लेना, ठीक है? उसका गुरूर तोड़ने के लिए तुम्हें भेजा था ना मैंने, ऊपर से खुद ही पिटकर तुम यहाँ आ गए। नामर्द हो तुम, सिर्फ नाम ही है, बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मैडम, मेरी सर्विस में आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब वो बचेगा नहीं। अब देखो ये माधवराव क्या करता है। अब दिखाने विखाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा उसका एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं है, किसी बड़े क्राइम के बाद पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। ऑर्डर ही चाहिए ना, दिलवा दूंगी। कमिश्नर तुमसे उसकी वजह पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? सबने देखा उसने मुझे भरे बाजार में पीटा है। ऐसे में अगर मैं उसका एनकाउंटर करूंगा तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, इसकी तरह मुझे भी वॉचमैन ही करनी पड़ेगी। तो बताओ फिर उसे कैसे मारोगे? लॉकअप के अंदर। मेरी बेटी शकुंतला बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और पूरी यूनिवर्सिटी में नंबर वन आई है, और गृहस्थी में भी। मास्टर के बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ही। आपका लड़का क्या करता है? वो ये टू व्हीलर सर्विस का गैरेज है इसका। बहुत अच्छी बात है, आपका इज्जतदार परिवार है इसलिए ये रिश्ता मंजूर है। देखिए भाई साहब, मैं एक स्कूल का रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, मेरी हैसियत से जो भी होगा मैं करूँगा। शादी में लेन देन में अगर कोई बात हो तो मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। आपकी देवी जैसी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आ रही है, यही बहुत है। क्या बात है, आपका बेटा कुछ नहीं कह रहा? मेरी बहन मेरी जान है, इसे हमेशा खुश रखना, बस यही हमारी विनती है। चलिए रस्म पूरी कीजिए। भवानी शास्त्री के पुत्र के साथ नारायण स्वामी की सुपुत्री शकुंतला का वैशाख मास के दशमी के दिन शुक्रवार को विवाह रचाने के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया है। भाई साहब, शादी का कार्ड कहाँ छपवाना है ये आप कह देते तो। वो मैं प्रिंट करवा के आपको भेजवा दूंगा, अपनी खुद की प्रेस होते हुए बाहर कार्ड क्यों छपवाएंगे? अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी, अपने पसंद के हिसाब से प्रिंट करवा के भिजवा दीजिएगा। जी बिल्कुल, मुझ पे छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। चलती हूँ। नमस्ते। इंस्पेक्टर वहीं रुक जाइए, क्या चाहिए आपको? आ जाओ, अपने बेटे को बाहर बुलाओ। मैंने आपको तब भी कहा था, अगर आप उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं तो आप लेके जाइए, लेकिन हमें परेशान मत करिए। हमारे साहब से बहस कर रहे हो तुम? ए, इस बूढ़े की क्या औकात है, चल अड़बे। चलो उठो। बहुत अच्छी कलेक्शन है मामा। ए, गिरे बात छोड़। अरे अरे ये मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब मेरी, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तेरी हिम्मत, मेरी माँ पर हाथ उठाया तूने, इतनी हिम्मत तेरे हाथ। निकल निकल, जीजा जी निकल, हटो निकल, ले जाओ, हाँ ले जाओ इसे, हाँ ले जाओ, चल बाहर बाहर निकल, ले जाइए इसे। चल उसे रोक लीजिए जीजा जी, उसे रोक लीजिए, रोकिए उसे। अंदर चलो, अंदर चलो, तू जाने उसे।
अंदर चलो, उसे भूल जाओ। मेरे बच्चे को इसी छड़ी से मारते हैं ना, ये छड़ी आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। इसी छड़ी से मारते हैं ना, नहीं रहेगी। पूर्णिमा, ये तुमने क्या किया मेरी छड़ी के साथ? जब से मैं आपसे शादी करके आई हूँ तब से दुखी झेलती आ रही हूँ। मेरे बच्चे के साथ आप हमेशा जानवर की तरह सलूक करते हैं। उस जैसे नालायक को मारना बहुत जरूरी है। आप हमेशा मुझे मारते आए हैं, अभी तक आपका जी नहीं भरा। उस दिन तो तू मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज नहीं बचे, नहीं छोड़ूंगा। सर, ऑफिसर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं एक केस की इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। ऐसा इसने क्या किया है, क्या गलत किया है? देखिए, आप शांत रहिए, सुनिए, उसको खोलिए, मैंने कहा ना उसको खोलिए। आप ही की बीवी के कहने पर हमने दूसरी जगह से यहाँ पे ट्रांसफर किया है, और अब आप कह रहे हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों? इस बार तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ पांडे, आगे से इसने ऐसी हरकत की तो इसे डिसमिस कर दीजिएगा, मैं सीएम से बात करूंगा। चलो बेटा, इधर आओ। जरा देख इस खून को, इसका हिसाब तुझे देना ही होगा, और वो मैं लेकर रहूंगा। असली शेर खुद शिकार करता है। सही समय पर आकर शंकर को छुड़वाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है साहब, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरे लिए बच्चे जैसा है। शंकर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से तुम सुधर जाओ, यही मेरी इच्छा है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम यहां मत रहो, तुम्हारी नौकरी कहीं बाहर लगवा दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे इस नंबर पर फोन कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, अच्छा चलता हूं। ठीक है शंकर, अब तुम सीधा घर जाओ। क्यों, क्या हुआ? ये सब बेकार के सवाल मत करो शंकर, सीधा यहां से घर जाओ, जाओ। पहले ये बता, हुआ क्या है? अब कुछ होना बाकी है क्या? तेरे पिताजी ने तेरी माँ को मारा और उसे डूब मरने को कहा। वो फूट फूट कर रो रही है भांजी, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम सीधा घर जाओ, यहाँ से जाओ। भैया, पापा ने मम्मी को मारा। भैया, मैंने पूछा, पापा ने मम्मी को मारा? भैया, इन्हीं हाथों से मारा ना, इन्हीं हाथों से मेरी माँ को मारा ना, इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से मेरी माँ को मारा ना, इन्हीं हाथों से मेरी माँ को मारा ना, इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से, छोड़ दो बाबू जी, इन्हीं हाथों से उन्होंने तुम्हें मारा ना, तुम्हारी खामोशी की वजह से आज उन्होंने तुम पर हाथ उठाया, मारा उन्होंने तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दो मुझे, वो मुझे मार देते, लेकिन तुम पर हाथ उठाया उन्होंने। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, उन्होंने किसी से हाथ कर बात नहीं की, हमेशा मारा है, आज मेरी वजह से तुम्हें मारा। पूर्णिमा, ये सब क्या है? वो आपने उसे उस दिन मारा था ना, इसीलिए। अब तक वो बाहर आवारागर्दी करता था, अब घर में भी दादागिरी शुरू कर दी। एक जवान बेटे को इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से नहीं मारना चाहिए था।
जरा भी रहम नहीं आया आपको, इसलिए उसने गुस्से में आकर ये सब किया। उसका मतलब मैं गलत हूँ? बचपन से लेकर आज तक आपने कभी भी उसे सीने से लगाकर वो क्या चाहता है आपने कभी नहीं पूछा। हर बाप अपने बच्चों का मार्गदर्शक होता है, लेकिन आप हमेशा उससे एक जालिम की तरह बुरी तरह पेश आते रहे। वाह, बचपन से लेकर जवानी तक उसे पाल पोस कर बड़ा करने का उसने ये इनाम दिया। अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ऐसे ही फटे कपड़े पहन के घूमता रहूंगा। नहीं जी, दुनिया वाले देखेंगे तो क्या समझेंगे, अंदर दूसरा है, मैं देती हूँ। रहने दो, जब दुनिया देखेगी और पूछेगी कि ये किसने किया है तो कह देंगे मेरे बेटे ने किया है, देखते हैं आखिर दुनिया क्या जवाब देती है। क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं? देखो पूर्णिमा, उसने सिर्फ मेरे शर्ट के बाजू नहीं काटे, मेरे हाथ भी काट दिए हैं। बेटा पैदा होने के बाद दुनिया कहती है कि जरूर आपने कोई पुण्य किया होगा कि आपके बेटा पैदा हुआ है, और तो और उसे लड़कियां देने के लिए लोग आगे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे बेटे को देखकर मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि ये पैदा हुआ है। सच में जरूर कोई पाप किया है मैंने, बेटे के जन्म के लिए पूजा पाठ और उपवास क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन भगवान ने मुझे वर नहीं दिया, श्राप दिया है। श्राप है, ये श्राप मिला है मुझे। नमस्कार। शादी के कार्ड छप गए तो लेके आया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, बैठिए। लीजिए देखिए। शादी की तारीख आगे बढ़ाने के बारे में हम सोच रहे हैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ। आपसे या आपकी बेटी से हमें किसी बात पर कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि आपका बेटा बार बार पुलिस स्टेशन जेल आता जाता रहता है। देखिए भाई साहब, मैं एक असिस्टेंट कलेक्टर के पोस्ट पर हूँ। पुलिस स्टेशन में 10 लोग मुझे सल्यूट करते हैं। आपके लड़के को पुलिस वाले उठाने के लिए बार बार आपके घर में आते हैं। शादी के बाद वो इस घर में नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए इस रिश्ते को यहीं खत्म किया जाए ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मेरे बेटे से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी को आप इससे मत जोड़िए भाई साहब। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, आपके लड़के को देखने के बाद मेरी बेटी ने उसी के साथ जीने के सपने देखे हैं, उसके सपनों को तोड़िए मत भाई साहब। अगर ऐसा हो गया तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं आपसे इस तरह की बातें कर रहा हूँ इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। सिर्फ आपके बेटे की वजह से ही ये रिश्ता टूट रहा है, वरना इस तरह का रिश्ता कोई भी कहीं ठुकराता है क्या? आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता कहीं और ढूंढ लीजिए, वही अच्छा रहेगा। यो भव हस्तान वोर्ते ददातन महेरनाय चक्षसे यवस्य वतमोरसः तस्य भाजहते हनः वसितेरेव मातरः
तस्मा अरंग मामवः यस्य क्षया जन्मथ आपो जनयथा जनः यजमानस्य पितामह नारायण शास्त्री यजमानस्य प्रपितामह श्याम नारायण शास्त्री यजमानस्य कुमारस्य शंकर शाश्वत स्वर्गलोके नित्य निवास सिद्ध्यतो सुधान सर्पयामि अशोका मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारवती चैव सप्तैते मोक्षदायका अहं काशीं गमिष्यामि तत्रैव निवसाम्यहम् इति पुरवाणा। इन्होंने वहां क्या किया पता है? मेरे गैरेज के नाम पर कालिक बोलकर वहां पर नालायक गैरेज लिख दिया। मुझे नालायक कह रहे, मैंने इनके साथ ऐसा क्या किया? पूछिए इनसे। नालायक को नालायक नहीं तो और क्या कहेंगे? जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी बच्ची के हाथ पीले नहीं हो सकते हैं। वहां क्या हुआ कुछ पता है? लड़के वालों ने कहा कि उन्हें इस नालायक की वजह से रिश्ता मंजूर है। बार बार तुम्हारे घर में पुलिस आती है और उसकी वजह तुम्हारा ये बेटा ही है, तुम जानती हो। कल हमारे घर में पुलिस आए या ना आए, इस क्रिमिनल के रहते तो हमारे घर में जरूर आएगी, तब तुम क्या करोगी? ठीक यही बात उन्होंने भी कही। इसकी वजह से ये रिश्ता टूटा, इसलिए मेरा लड़का मर गया। यही बात सोच के आज मैंने इसका पिंडदान किया है। अगर दुनिया पूछती है कि शादी क्यों नहीं हुई, तो मैं हिम्मत से कह दूंगा, मेरे घर में मेरा लड़का मर गया, उसका शोक चल रहा है, इसलिए शादी नहीं हुई। सुनिए मास्टर जी, जब मैं छोटा था आपने मुझे जबरदस्ती जेल में भेजवाया था, उसी दिन आपका बेटा शंकर मर गया था। मैं मर गया ये मानकर आपने मेरा पिंड दान कर दिया, लेकिन जिस दिन आप मरेंगे और आपकी चिता को आग लगाने की जरूरत होगी, वो काम आपका ये बेटा ही करेगा। ये नालायक, ये मिट्टी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। मेरी चिता को आग देने के लिए तो जिंदा कहां बचेगा? तुझे आज नहीं तो कल कोई गुंडा रोड पे बेरहमी से मार के फेंक देगा, या पुलिस वाले तुझे एनकाउंटर में मार देंगे। वो दिन देखने के बाद ही मैं मरूंगा। जवाब दे। हाँ नहीं, तू बताएगा। A plus B into A minus B equals to A plus B A square minus B square is equals to equals to B square equals to screwdriver नहीं है, spanner नहीं है, आवारा गर्दी चल रही है। Get up, बता, चल बता। तुझे algebra क्यों समझ में नहीं आ रही है पता है? क्योंकि तू पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल मन नहीं तेरा। जबकि वो प्रकाश हवलदार का लड़का हमेशा अव्वल आता है। तुझे बिल्कुल अकल नहीं है, बेवकूफ। डूब मर बेशरम। मम्मी देखो बंदर लगा। ये देखो। अरे किसने किया? हाँ ये। अरे मेरा प्यार बच्चा। मेरे बच्चे ने ठीक किया है, देखिए कितना अच्छा बज रहा है।
रेडियो ठीक करके तेरे इस बेटे ने कौन सा तीर मार लिया है? सुनिए जी, फेंकिए मत। ये क्या जीजा जी, क्यों आप बच्चे का दिल तोड़ रहे हैं? मैथ्स में इसके कितने मार्क्स आए कुछ पता है? बताओ तुम, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? पास होने भर के। पास हो गया काफी है ना? काफी नहीं है, इसके मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए थे, वही जरूरी है। पढ़ने वाला बच्चा मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकता है। अगर हमारा बच्चा मैथ्स में 100 में से 100 नहीं लाएगा तो ये सारी दुनिया डूब जाएगी क्या? दुनिया डूब जाएगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिसे हिसाब किताब करना नहीं आता उसकी जिंदगी जीरो है। इस तरह के रेडियो ठीक करने से कोई कामयाब नहीं होता है। कल को अगर ये फेल हो गया तो ऐसे ही रेडियो पे गाने सुनता फिरेगा। बढ़ाया रेडियो ठीक करने। बच्चों सुनो, मैं हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल शास्त्री। धरती का जन्म कब हुआ? धरती का जन्म नहीं होता है, धरती पर हमारा जन्म होता है। अरे शास्त्री जी आ रहे। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। बोर्ड पे ये किसने लिखा? मुझे नहीं पता। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये किसने लिखा? नहीं पता सर, मैंने लिखा है सर। आओ, घुटने के बल चल के आओ। तुमने लिखा? एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ तुमसे, उसका जवाब देना। 3 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ। चलो तुम बताओ, 3 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 प्रकाश तुम बताओ। 3 स्क्वायर + 2 × 3 × 4 + 4 स्क्वायर = 1 देखा? देखो और कुछ सीखो इससे। ये देख, ये दरा मुर्गा बन जा। अकल ठिकाने लगाने के लिए ये सजा जरूरी है। चल हाथ ऐसे रख और हिलना मत। अपने आप को तू बहुत बड़ा समझदार समझता है ना? पिताजी इसे इस हाथ में पकड़ के रख, जब तक बैल नहीं बजे तब तक ऐसे ही रहना। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत है, ये किसने बनाया है? जी वो मैंने सर। क्या तुमने इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतना अच्छा दिमाग पाया है? फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? सर सीवी राव जैसा, थॉमस अल्वा एडिसन जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये रखो मेरी तरफ से इनाम। सर ये हमारे हेडमास्टर शास्त्री जी का बेटा है। शास्त्री जी का बेटा है ये? जी हाँ सर। उन्हें भी पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी बेइज्जती करने के लिए बनाया तूने? आपकी बेइज्जती कराने के लिए नहीं। तो फिर स्कूल में काम आएगा, इसलिए। स्कूल में काम आएगा ये सोचने वाला तू कौन है? ये पकड़ इसे। नहीं नहीं पिताजी, रुक जाइए पिताजी। नहीं अंकल, प्लीज सर, अंकल रोकिए ना। सर ये क्या कर रहे हैं सर? पिताजी पिताजी आपने बुलाया सर? हाँ नारायण शास्त्री जी, मुझे लगता है कि आप मैथ्स साइंस विज्ञान में बहुत ही निपुण हैं। आपके बेटे ने एक अद्भुत चीज का इजाद किया है, आप उसे गलत समझ बैठे। उसे आप आगे बढ़ाइए, उसे प्रोत्साहन दीजिए। वो मेरा बेटा है और उसे क्या सिखाना है वो मैं जानता हूँ, मुझे मत बताइए। अगर पसंद नहीं है तो मैं ये स्कूल छोड़ के जा सकता हूँ। आपके बात करने का तरीका स्कूल के बड़े अधिकारी और बच्चों के साथ बदसलूकी करने की गलती की सजा मैं दे सकता हूँ। आपकी जिद मुझे मजबूर कर रही है। इस स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ, मुझे भी कहने का पूरा हक है। इससे पहले कि आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन लें मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूँ। सर इनको समझाना बहुत मुश्किल है सर। लगता है आप सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए,
स्कूल में काम आने वाले ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्क्रू ड्राइवर और ये प्लायर है। और जरा ये देखिए, देखिए आप, ये उसकी स्टडी टेबल है और ये उसका लिविंग रूम। सर, उसका मन जिस काम में लगता है क्यों ना उसी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल नहीं, मैं एक मैथ्स का टीचर हूं और मैं चाहता हूं कि वो भी मैथ्स का टीचर ही बने। तुम उसके क्लास टीचर हो ना, तो उसकी मैथ्स में कितनी परसेंटेज आई जरा बताइए। 45% मार्क्स आए हैं उसके। तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, उसको इस साल फेल कर दो। सर, जो स्टूडेंट पास हो गया उसे फेल कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं ये बात एक मास्टर होने की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, उसे सबक सिखाने के लिए कह रहा हूँ। अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ वो फेल होकर जब बैठेगा तभी उसे समझ में आएगा, तभी जाकर वो मैथ्स में अच्छे नंबर लाएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा कहते थे ना आप। बेटा, आपने ऐसा क्यों किया सर? मैं समझता था कि मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं, आज पता चला सब नफरत करते हैं। नहीं बेटा, फाड़ना मत बेटा। एक बात याद रखना सर, आप मेरे साथ अन्याय करके आपने एक विद्यार्थी का भविष्य बिगाड़ दिया। ए प्रकाश, क्या बात है? इधर आना। क्यों बुलाया? तेरे कितने नंबर आए? 100 में से 100। अपना हाथ देना। तेरे इसी हाथ की वजह से मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। आज से अपने बाप का बेटा मैं नहीं, तू है। बेटे के हाथ में कंपास का काटा घोपकर ये भाग गया था। आज से ये मेरी औलाद नहीं है। इसका जो करना है वो करो। रिमांड में लेकर इसकी खूब पिटाई करो। शंकर बेटा, ज्यादा सोचो मत बेटा। तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत रोता है बेटा। तुम्हारे हुनर को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, ये सोचकर अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करो बेटा। चल, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तेरा मामा बोल रहा है। तो आप जाइए। बेटा, तू अपने मामा की बात नहीं मानेगा, चल ना। चल, सर। नमस्कार सर। एक बार कह दिया है ना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता, अब क्या लेने आए हो, क्यों तंग कर रहे हो? सर, ऐसी बात नहीं है सर। सर, गलती मुझसे ही, मेरी बहन से नहीं, इसलिए प्लीज आप इनकार मत कीजिए। तुम मेरे पैर भी पकड़ोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, ये शादी कभी नहीं हो सकती। तुम इज्जत से यहाँ से चले जाओ। सर, जरा सोचिए ना, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। वो मैंने कहा ना, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। What a surprise! आप यहाँ पर कैसे आए? अरे, आप यहाँ पे क्यों खड़े? चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, रहने दो। प्यार के निशानी के तौर पर आपने मेरी बहन को यह तोहफा दिया था, अब आपने वो रिश्ता तोड़ ही दिया तो इसकी क्या जरूरत है? ये आप रख लीजिए। ये मेरे प्यार की निशानी है, इसे मैं कभी वापस नहीं लूंगा। वैसे मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, उसके स्वभाव को देख के मैं उसके और भी करीब आ गया हूँ। मेरे प्यार की निशानी को उसको वापस कर दो, मैं उससे ही शादी करूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? डैडी, आप चुप हो जाइए। हाथ मिलाइए। मैं तो समझता था इस शहर में मैं अकेला ही हूँ, लेकिन आप भी मेरे जैसे ही हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, अब खूब धमाल मचेगा। सर, लड़का लड़की दोनों राजी हैं। जी हाँ, क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। वैसे तो कहते हो मेरा फोन बिल बढ़ जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बाद में फोन करती हूँ। लड़के वाले शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसी खुशी में चॉकलेट खा रही हो? आप भी खाइए ना। स्वाद में बहुत अच्छी है। भैया ने दी थी। नमस्ते। नमस्कार कृष्णमूर्ति जी, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? मेरे बेटे ने कुछ बदतमीजी की है क्या आपके साथ?
मेरी बेटी को टीवी में एंकरिंग का काम मिला है, इसलिए आए हैं। तुम नैना हो ना? हाँ। कितनी बड़ी हो गई हो, क्या करती हो? बीएससी विजुअल कम्युनिकेशन। वेरी गुड, मेरी बेटी भी बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट है। ओ, बहुत अच्छा है। सर, शंकर का तो जीवन बर्बाद हो गया। कृष्णमूर्ति जी, मैं बहुत पहले उसका अंतिम संस्कार करके उसका पिंडदान भी कर चुका हूँ। मैं उसे कब का भुला चुका हूँ, उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे लगा था कि अब तक तो आप बदल ही चुके होंगे। आप अंदर तो आइए। नहीं मैडम, मुझ में अंदर आने की हिम्मत नहीं है। आओ नैना, चलो। सर, कौन हो तुम? सर, विवेकानंद विद्या संस्थान के जो ओनर हैं, योगानंद जी का बेटा हूं मैं। योगानंद जी? सर, तो ये लोग कौन थे? पता नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। असल में हुआ ये था कि ए, तू क्या बक रहा है? कौन है तेरा बाप? मैं सच कह रहा हूं मैडम, वही मेरे पिताजी हैं। रुकिए, मैं आपको अपने माता पिता की फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए। कौन है बे? तेरी माँ कहाँ से चुराई है तूने ये तस्वीर? जान अगर प्यारी है तो जल्दी बता दे। मेरी माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तभी पिताजी से दोस्ती हो गई थी। ये बात जब दादी को पता चली तो उन्होंने बहुत विरोध किया था। तब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। जब ये बात मेरी दादी को पता चली तो उन्हें शॉक लगा और इस दुनिया से चली गई। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तभी से मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। वो आज तक नहीं मिले मैडम। जिन्होंने मुझे पाला था उन्होंने ही मुझे ये फोटो दी थी मैडम। मुझे ये बताने के बाद कि मेरे माँ बाप अभी जिंदा है, वो भी चल बसे। मुझे बताए बिना एक अनाथ बच्चे को गोद भी ले रखा है? क्यों बे, तुझे मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए क्या? ए, इसे काट डालो। बस इतनी सी बात हुई थी सर, एक बार मुझे अपने पिताजी से बात करनी है। जी जी, आप ऑटो में चले जाएंगे ना? हाँ, चले जाओ। किसी को साथ भेज दो। नहीं, मैं अकेला चला। चले जाएंगे? हाँ। तो मैं अपने पिताजी से बात करनी। हाँ सर, आओ मेरे साथ। हेलो। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ सर। हाँ शंकर, बोलो क्या बात है? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है, बोलो ना। आपका बेटा मुझे मिला है सर। मेरा बेटा? ये तुम क्या कह रहे हो? पहले मैंने भी यही सोचा था सर, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। हेलो, प्लीज स्टॉप द कार। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? मेरा बेटा? कॉलेज में आपको सरोजा याद है? सरोजा? हेलो सर। हाँ, बात करेंगे ना? उसे फोन दे। पिताजी। कैसे हो बेटा? तुम सरोजा के बेटे हो ना? ये बात मुझे अभी पता चली है। अब तुम्हारी मम्मी कैसी है? मैंने तुम्हें बचपन से आज तक नहीं देखा।
माँ मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई थी पिताजी। तुम तो ठीक हो ना? बस जी रहा हूँ पिताजी। सर सर शंकर, बड़े मुद्दत के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। अगर मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो वो इसे मार डालेगी। उसे पता चल चुका है सर। आपके साले ने इसे मारने की कोशिश की थी सर, वक्त पर मैं वहाँ पहुँच गया, नहीं तो। ऐसे गुंडों से तुम ही निपट सकते हो। तुम उसका ख्याल रखो। सर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक यू शंकर। थैंक यू सर। ए, छोड़ो ना, ये बहुत पुराना स्टाइल है। अच्छा अरे 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 भाभी बुला रही है यार। भाभी क्या हुआ, स्कूटी बिगड़ गई क्या आपकी? ए, चीची, वो फेंको। वो कहाँ है? बाहर गए हैं। अच्छा बाहर गए हैं? पहले भी ऐसे बाहर जा जाके मुझसे प्यार करके मुझे मंगलसूत्र पहनाया और अब मुझे छोड़ के बाहर कहाँ गए हैं? खैर तुम्हारे सेठ जब वापस आएंगे तो उन्हें शाम को 6 बजे टीवी देखने को कहना। क्या हुआ भाभी जी, हमारे गुरु का दिल बहलाने के लिए आप कोई नया गाना गाने वाली है? हेलो, मैं गाना गाऊंगी या डांस करूंगी उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। शाम को ठीक 6 बजे उन्हें टीवी देखने को कहना, बस। देखने के बाद मैं कहीं भी रहूंगी वो मुझसे मिलने आ ही जाएंगे, समझ गए ना? ओके भाभी। कैसा प्रोग्राम? अरे पहले बैठ तो सही। बैठ। अरे लेकिन पहले ये तो बताओ कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम आने वाला है? भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? पहले देखो तुम। चलो चलो चलो, आवाज तेज रखना। दर्शकों को मेरा नमस्कार, ये प्रोग्राम है प्यार के किस्सों का। प्यार करने वालों का ये नैना स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी प्रतिभा को सबके सामने लाते हैं, पूरे संसार को दिखाने का प्रयास करते हैं। यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। इस हफ्ते के वो प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है मैं आप लोगों को बताती हूँ। उनका नाम है शंकर। वो एक मैकेनिक है और इस विचित्र बाइक को उन्होंने खुद ही बनाया है, और इस अनोखी और विचित्र बाइक को उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। इसकी खासियत है इसका कार्बोरेटर, जो 1 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर का एवरेज देता है। इस विचित्र बाइक के बारे में हमारे देश के नामी गिरामी इंजीनियर्स क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वेल मिस्टर शंकर, तुम हिंदुस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति में देश के लिए एक महान व्यक्ति साबित हो गए। जो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, ऐसे साधारण लड़के का ये कारनामा वाकई काबिले तारीफ है। इंडियन इकोनॉमी में बदलाव लाना है, ऐसे में आप अपनी प्रतिभा को और निखारने की कोशिश करें, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे प्रोग्राम की तरफ से और सारे देशवासियों की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं। कौन है यार ये? येलो रेडियो, पापा ने इसको तोड़ दिया था, मैंने तुम्हारे लिए दोबारा बनाया है। थैंक्स। नैना, नैना, मुझे लगा था तुम प्यार का नाटक कर रही हो। मामा की बातों से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं अपने आप को ही भूल गया था नैना। गुजरे हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता। नैना, अपनी बनाई हुई बाइक को मैंने टीवी पर देखा। उसे तुमने कब शूट किया? अपनी बाइक मैंने अपने गैरेज में बनाई थी, ये तुम्हें कैसे पता? मैं इस दुनिया में आई ही हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा साया हूँ तो तुम्हारे बारे में जानकारी नहीं रख सकती। तुम्हारा सुख हो या दुख हो, उसमें मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ बताऊँ? हाँ? मैं वही पुराना शंकर चाहती हूँ। वो कब का मर चुका है? रुको, मेरा शंकर कभी मर नहीं सकता। तुम्हारी प्रतिभा जरूर एक दिन सबके सामने आएगी। जो हो नहीं सकता उसे करने की क्यों कोशिश करेगा?
शंकर। कहाँ है मेरा बेटा? वो यहाँ नहीं है। डर के मारे तुमने उसे कहीं छुपा दिया है क्या? राहुल, देखो टेंडर में तुमने हमें मात दी। ओके, वो बिजनेस था, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम दूर ही रहना। ये आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बेटे को इज्जत से मुझे सौंप दो। उससे मुझे क्या मिलेगा? मैं जानती थी तुम पैसों के लिए तो काम कर रहे हो, पहले बता दिया होता। दे दो उसे, 20 लाख हैं। अब ये 20 लाख 1 रुपए हो गए, इसे लेकर अपने भाई के साथ चली जाओ। ए, ए, तू क्या समझता है ये मेरा बिजनेस है? करोड़ों रुपए होकर भी कोई फूटी कोड़ी दान न करे, वो भी कोई दौलत है क्या? अगर तुम कोई खिलाड़ी हो तो मैं भी वही हूँ। एक मामूली सा मैकेनिक होकर तुझे इतना सारा गुरूर है? मैं इस पूरे शहर की रानी हूँ, मुझे कितना गुरूर होगा। तेरी भलाई इसी में है कि इस अनाथ को मेरे हवाले तुझे अभी के अभी करना होगा, वरना इससे मैं तो चीर डालूंगी। ए हेलो, मेरे इलाके में आकर मुझे ही डायलॉग सुनाकर जा रही हो, जरा जवाब भी तो सुन लो। जो मर्द मेरे सामने आंख उठाता है मैं उसे उसी वक्त जवाब दे देता हूँ। मेरे जीते जी तुम राहुल तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। अगर उसके शरीर पर एक खरोंच भी आई ना तो तुम्हारे साम्राज्य को। सुनिए जी, आप समधि जी के घर जा रहे हैं ना, तो ये शर्ट पहनकर कैसे जाएंगे? देखने वाले क्या कहेंगे? कुछ तो इज्जत का ख्याल रखिए। लीजिए, इसे पहन लीजिए। तुम कहती हो तो पहन लेता हूं। लक्ष्मण पांडे जी। लक्ष्मण पांडे। गोपाल प्रसाद जी। किस किस को बुला रहे हो जीजा जी? मामा। अपनों को ही बुला रहा हूँ। शंकर को बुला रहे हो कि नहीं? उसे मैं क्यों बुलाऊंगा, उसे मैं अपना बेटा मानता ही नहीं हूँ। लेकिन उसे भी अपनी बहन की शादी में शामिल होने का हक है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस गाँव का कलेक्टर विश्वनाथ मेरा ही स्टूडेंट है, वो इस शादी में आएगा, वही हमारी इज्जत है। अपनी संतान को ही अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, अब कलेक्टर आए या कंडक्टर आए क्या फर्क पड़ता है? सुनिए जी, बहन की शादी में उसका सगा भाई नहीं आएगा तो इसके दिल पे क्या गुजरेगी? ऐसा मत कीजिए जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ जी। बेटे की शादी से बढ़कर इस वक्त तुम्हें उस बेटे की फिक्र हो रही है? तो फिर मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते जी जाजी, वो आपकी औलाद है, उसे आपको बुलाना ही चाहिए। मैं शादी तभी करूंगी जब भैया को बुलाएंगे। प्लीज पिताजी, भैया को बुला लीजिए। ठीक है बोल दूंगा मैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा, उसे मैं मंदिर में बुला लूंगा। शुक्र है, मान तो गए। तुम ही कहना, तुम्हारे कहने से मना नहीं करेगा। शंकर, तेरी माँ आई है। हाँ? क्या बात है माँ? बेटा, कितना दुबला हो गया है तू। मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। शकुंतला कैसी माँ? वो तो ठीक है, तेरे पिताजी गुस्से में न जाने क्या कुछ कह गए, तू उनकी बात का बुरा मत मान बेटा। तू शांत दिमाग से काम करके मेरे लिए चुप नहीं रह सकता। हाँ बेटा शंकर। बेटा मर गया है ये कहकर उन्होंने मेरा पिंड दान कर दिया, उनसे क्या उम्मीद रखूँ मैं।
उनके लिए तो मैं कभी का मर चुका हूँ। ये बात छोड़ो माँ, कोई और बात करो। हे शंकर, अगर वो तुझे अपना बेटा नहीं समझते तो अपनी बेटी की शादी में तुझे बुलाने का न्योता देते क्या, बताना। लेकिन शादी तो मंदिर में हो रही है, तू उसे आशीर्वाद देने के लिए वहीं आ जाना। आएगा ना बेटा? बताना बेटा। अरे बेटा, हर बाप ऐसा ही होता है, उनकी बात को बुरा नहीं मानते। हाँ बेटा। जीजा जी, शंकर आ गया। ए जी, आप कहिए ना। कल मेरी बेटी की शादी है, सुबह 10:20 का शुभ मुहूर्त है, सभी रिश्तेदार भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरा स्टूडेंट है और वो भी आ रहा है। जब वो वहां होगा तब तुम मत आना। उनके जाने के बाद अगर मन किया तो आके खाना खा लेना। जीजा जी, ये कौन सा तरीका है? शादी में बुलाऊंगा ऐसा बोला था, ये तरीका है बुलाने का? बहन की शादी में एक भाई को ऐसे बुलाया जाता है क्या? इस तरह से अपने बच्चे का कोई भी बाप अपमान करता है क्या, बताइए? हाँ। हे भगवान, मेरे बच्चे को किस गुनाह की सजा? देखो पूर्णिमा, तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आया हूँ मैं, लेकिन इसे सामने देखते ही इसकी सारी पुरानी हरकतें मुझे याद आती हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको मैं आखिर क्यों बुलाऊं? बस भी कीजिए जी, मेरे बच्चे की भी कोई इज्जत है। देख बेटा, अब ये तेरी माँ तुझसे कह रही है इस शादी में तू नहीं आएगा, और तू आ भी गया तो ये सब के सामने तुझे बेइज्जत करेंगे। पैदाइशी आदतें चिता के साथ ही जाती है, भगवान भी उसे बदल नहीं सकता। जा बेटा, जा, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, जा, जा बेटा। भैया, अपनी बेटी की शादी में जितना भी खाना बने खुद बैठकर खा लेना। अगर तुम्हें अपने बेटी की फिक्र नहीं है तो क्या हुआ, उसका मामा है ना? शंकर, नैना, क्या बात है, तुम्हें सोने के गहनों से इतना प्यार है, मुझे नहीं पता था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, इतनी सारी लाद रखी है जैसे गहनों का एडवर्टाइज कर रही हो, इसीलिए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पिताजी ने बड़े प्यार से ये गहने बनवा कर दिए हैं, इसलिए ये सब पहने हैं, समझी। तुम्हारे भैया ने भी तुम्हारे लिए तोहफा भिजवाया है। क्या भिजवाया है? इसे सिर्फ एक भाई का दिया हुआ तोहफा ही मत समझना, इसमें तुम्हारे भाई का दिल है। मामा जी। क्या है भांजे? शादी में ढेर सारे वीआईपी लोग आए होंगे ना? बहुत सारे आए हुए हैं। हाँ, आए हुए हैं। हे भगवान। हेलो सर, मैं कलेक्टर का पीए बोल रहा हूँ। साहब आ रहे हैं ना? साहब आपसे बात करना चाहते हैं, एक मिनट। सर नमस्ते। नमस्ते विश्वनाथ बेटा, तुम आ रहे हो ना? नहीं, मैं पीएम से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत अर्जेंट काम के लिए है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। आप ये शुभ काम खुशी से कीजिए, मैं आने के बाद मिलता हूँ। ओके। दादी
का मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को बुलाओ। तुम लोग अब तक यही हो? नीचे सब बुला रहे हैं। चल बेटा। बेटा तुमने अब तक गहने क्यों नहीं पहने? पिताजी मुझे आपके दिए हुए गहनों से बढ़कर भैया की दी हुई ये चेन ही बहुत प्यारी है। ये क्या, ये तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है? जल्दी तैयार करके इसे नीचे लेकर आओ। पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। भले ही आपको आपके बेटे की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे मेरे भैया बहुत प्यारे हैं। जन्म से तुझे इतना लाड़ प्यार करने के बावजूद वो नालायक तुझे मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया? उसके लिए तो तेरे दिल में इज्जत है और मेरे लिए अपमान है, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? सुनिए जी, ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी नहीं है, ये उस नालायक की बहन है। सुनिए जी, ये आप आखिर कैसी बातें कर रहे हैं? देखो आज शादी का दिन है, शादी हो जाने दो, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो नहीं। इतना रहम कर दो मुझ पे। मंगलसूत्र पहनाओ। मामा जी, इस वक्त पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होंगे और जीजा जी मेरी बहन को मंगलसूत्र पहना रहे होंगे ना? अरे मैं जानता हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है। अरे तेरा मामा हूँ मैं, अपने बेटे को बेटा नहीं समझते वो ना तो कभी किसी के बारे में सोचते हैं और ना तो सोचेंगे। तू देखता जा शादी के मंडप पे जाकर कैसे तेरे बाप की बहन बनाता हूं। रुके, रुके, मामा जी, शकुंतला से कहना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। हां कह दूंगा, कह देंगे। अरे शकुंतला, मामा जी हमेशा खुश रहो तुम दोनों, तुम लोग यहाँ आए बहुत खुशी हो रही है। आजा आजा शंकर, देख ना कौन आया है। शकुंतला भैया, शकुंतला भैया। अरे क्या करो, शादी के मंडप से सीधा यहाँ पर आ रहे हो तुम लोग? भैया हमारे लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। मुझे लग रहा था मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में नहीं देख सकूंगा, लेकिन भगवान ने दिखा दिया। ये क्या, तुमने कोई भी गहना नहीं पहना हुआ? उस इंसान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? दिए है भैया, वो सारे गहने उतार कर आपकी दी हुई चेन पहनी है मैंने। ये चेन मैंने दी? हाँ, नैना के हाथों से भिजवाई थी आपने। तुम्हें बहुत प्यारा पति मिला है, सच में ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन भैया को मत भूल जाना। भैया ऐसी बात दोबारा मत करना। इसे ले लीजिए, ये लो लीजिए ना। और ये तेरे लिए। अच्छा तो अब हम चलें, हमें थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, इन्हें छोड़ कर आ जाओ। चलती हूँ भैया। मामा जी आप भी जाइए ना, जाइए जाइए। अब वो चेन मैंने दी है, ऐसा क्यों कहा तुमने? वो कोई ये ना कहे कि बहन की शादी में भाई ने कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए मैंने दे दिया। उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो, आज मैं तुमसे कहता हूँ मांगो जो चाहिए। मैं जो भी मांगूंगी दोगे क्या? मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र चाहिए। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आज तक मैं आपके हर जुल्म को सहती रही, क्यों पता है? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर, जिस दिन आपने मेरे बच्चे को बेइज्जत करके इस घर से निकाला, उसी दिन मैं मर गई थी। आपके लिए तो मैथ से सब कुछ है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को हमेशा अपने हिसाब किताब में रखकर ही तौला है। वो आपको मुबारक हो, आज से इस घर से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। आपके इस विशाल घर से मैं एक भी छोटा सा तिनका भी नहीं लेकर जा रही हूँ। सब कुछ आपका है।
सत्य हरिश्चंद्र का भाई मतलब मेरा देवर फॉरेन से इंडिया आ रहा है। अगर वो आ गया ना तो हम महल से सड़क पर आ जाएंगे। तो फिर क्या करें? उसके आने के बाद ही उसके बारे में सोचेंगे। उस अनाथ को इस दुनिया से उठाना होगा। उस मैकेनिक ने अपने पास रखा है, जाकर उसे मार डालो। पिछली बार जैसी गलती अभी नहीं होनी चाहिए। हमें महल में राज करने के लिए उन दोनों की बलि चढ़ानी होगी। राहुल जल्दी इधर आओ। तू एक औरत राक्षसी है, इसीलिए तुझे भगवान ने अभी तक पांच रखा।
तूने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। जी करता है मैं तेरी जान लूं। तू मेरी बीवी कहलाने के लायक है। आज से तू अपना रास्ता देख, चली जा मेरे सामने से अपने भाई के साथ। शंकर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, भगवान के लिए आप हॉस्पिटल चलिए। मैंने कहा था ना सर, ये नहीं आएंगे। कहते हैं वक्त के साथ इंसान बदलता है, मेरी नजर में तो आप इंसान ही नहीं। चिता को आग देने के लिए तू जिंदा कहां बचेगा? तुझे आज नहीं तो कल कोई गुंडा रोड पे बेरहमी से मार के फेंक देगा, या पुलिस वाले तुझे एनकाउंटर में मार देंगे। वो दिन देखने के बाद ही मैं मरूंगा। कैसे हो? ये लो, ये लीजिए सर, मेरे बेटे की जान बचाने का तोहफा। नए मॉडल की बाइक बनाने के लिए परमिशन देने वाले कलेक्टर साहब का, डीआईजी साहब का, फॉरेन डेलीगेट्स का और हमारे राज्य के विवेकानंद विद्यालय के संस्थापक योगानंद जी का, और साथ साथ नए मॉडल की बाइक इजाद करने वाले हमारे शहर के माननीय शंकर जी का, और यहाँ पर पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। इस नए मॉडल की बाइक हमारे देश में एक दिन धूम मचाएगी और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। हमारी कंपनी मिस्टर शंकर के साथ लाइफ टाइम एग्रीमेंट करती है और उनसे आग्रह करती है कि यहाँ पर आकर अपनी बात करें। नमस्कार। हाँ,
ये प्रतिभा मेरे अंदर है, ये मैं खुद नहीं जानता था। इसे आपके सामने लाने वाली है और कोई नहीं बल्कि मेरी नैना। थैंक्स। इस काम के लिए सबसे पहले मुझे प्रेरित किया नारायण शास्त्री जी ने, जो मेरे पिता हैं। उनके प्रोत्साहन से ही मुझमें कुछ करने की जिद पैदा हुई। आज जो ये इज्जत, ये गौरव, ये कामयाबी मुझे मिली है, वो मैं अपने पिताजी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी यहीं कहीं हैं। पापा, आप स्टेज पर आइए प्लीज। पापा, तेरे अंदर छिपी प्रतिभा को मैं पहचान नहीं पाया बेटा, मुझे माफ कर दे। पापा, आप मुझसे माफी क्यों मांगते हैं? पापा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं भी तो बचपन से गलतियां करता आ रहा हूं। आज इतने सारे लोगों के बीच में आपने मुझे गले लगा लिया, मेरे लिए यही बहुत है पापा। आइए उद्घाटन कीजिए। अब क्या करें तुम लोग?